Good morning, everyone. Continuing with our next technique, that is deficit financing. Deficit financing का क्या मतलब है? Deficit financing refers to financing the budgetary deficit. Budgetary deficit का मतलब है कि जब जो government के expenditure हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं government की income से, including borrowings, तो उसे हम budgetary deficit कहते हैं. और जब आप finance करते हो budgetary deficit को, तो उसे deficit financing कहा जाता है. Deficit financing का India में मतलब है कि जो government of India है, वो Reserve Bank of India से loan ले रही है अपने budgetary deficit को मीट आउट करने के लिए. और रिजर्व बैंक जो है, जो ये वो लोन देता है, वो लोन देता है बाय इशूइंग न्यू करेंसी नोट. और जब आप न्यू करेंसी नोट इशू करोगे, तो जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी. मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से जो वैल्यू है मनी की, वो कम हो जाएगी. इसीलिए कोशिश की जाती है कि डेफिशिएंट फाइनेंसिंग को कम से कम किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से जो प्राइस राइज होगा वो इकोनॉमी में होगा, एंड दैट विल लीड टू दी इन्फ्लेशन. तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, क्योंकि वहाँ पे लेवल ऑफ इनकम जो है वो लो है, इसकी वजह से जो कैपेसिटी है लोगों की सेव करने की इस कंट्री में, वो लो है. और टैक्सेबल कैपेसिटी भी लो है, तो ड्यू टू लो सेविंग लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और जिसकी वजह से लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. इसीलिए एक्सेलरेट करने के लिए रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को जरूरी है सेविंग्स को इंक्रीज किया जाए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाए. तो जो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग है, वो एक तरीके की फोर्स्ड सेविंग होती है. डेफिशिएंट फाइनेंसिंग की वजह से जो प्राइस लेवल है वो राइज होता है, तो जो लोग हैं उन्हें कम नंबर ऑफ गुड्स मिलती है सेम अमाउंट ऑफ मनी में. तो जो गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया है, वो यूज करती आ रही है डेफिशिएंट फाइनेंसिंग सिंस द बिगनिंग ऑफ द प्लान्स. बट प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट है, वो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग को यूज नहीं कर रही है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज इवेल्युएशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया. सिंस इंडिपेंडेंस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो फिस्कल पॉलिसी को यूज करती आई है टू मोबिलाइज रिसोर्सिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो फिस्कल पॉलिसी की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, क्या उसका लिमिटेशन रहा है, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. कॉन्ट्रीब्यूशन और एडवांटेजेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी. सबसे पहला है कैपिटल फॉर्मेशन. फिस्कल पॉलिसी ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, और जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नेशन की, वो इंक्रीज हुई है. जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, वो था 32.3% इन 2017-18. देन नेक्स्ट इज इंड्यूसमेंट टू प्राइवेट सेक्टर. फिस्कल पॉलिसी जो है, वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाती है प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, थ्रू वेरियस मेजर्स. सेटअप इंडस्ट्रीज वो करे बैकवर्ड एरियाज में, उसके लिए उन्हें सेवरल टैक्स कंसेशंस भी दी जाती है. नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है इन द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिसोर्सेज है, वो मेनली इंटरनल रिसोर्सेज से प्रोवाइड करवाए जाते हैं. और मेजर्स लाइक टैक्सेस, सेविंग्स, पब्लिक डेब्ट एक्सेट्रा यूज करके जो गवर्नमेंट है, वो सफिशेंट रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है प्रोजेक्ट्स के लिए जो नेसेसरी हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. अगर हम थर्ड फाइव ईयर प्लान की बात करें, तो उसमें 72% जो रिसोर्सेज है, वो मोबिलाइज हुए थे थ्रू इंटरनल रिसोर्सेज. जब हम 11th एंड 12th फाइव ईयर प्लान्स की बात करते हैं, तो जो परसेंटेज था इंटरनल रिसोर्सेज का फाइनेंस करने के लिए प्लान को, वो 100% था. देन नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स फॉर सेविंग. जो फिस्कल पॉलिसी है, वो सेवरल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करवाती है सेविंग्स करने के लिए हाउसहोल्ड्स और कॉर्पोरेट सेक्टर्स को. सेविंग्स को इनकरेज करने के लिए हाउसहोल्ड सेक्टर में सेवरल कंसेशंस और टैक्स एग्जम्पशंस दी जाती हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पर, NSC, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एक्सेट्रा पर. और टैक्स कंसेशंस आप कॉर्पोरेट सेक्टर को भी देते हो, उन्हें अनेबल करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सके, और जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को दोबारा वो प्लो बैक कर सके अपने बिजनेस में. तो ड्यू टू डिफरेंट मेजर्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो सेविंग रेट है, वो इंक्रीज होकर 30.5%
रहा है 2017-18 में. देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. जो फिस्कल पॉलिसी है वो फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो इन द एरिया ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज सेटअप किए जाते हैं. जो एस्टैब्लिशमेंट है हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज की, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो हेजिटेट करता है इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में. और ये इंडस्ट्रीज बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अवर नेशन. तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो प्रमोट करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे रेलवेज, पावर पोर्ट्स, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट इज सोशल वेलफेयर. थ्रू फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती है ऑन पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ एज्ड पर्सन एक्सेट्रा जैसे वर्क्स के लिए. और ये सभी चीज़ें प्रमोट करती हैं सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में. नेक्स्ट इज एलिवेशन ऑफ पावर्टी एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है पावर्टी को कम करने में और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने में टू द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री. उनके इनकम लेवल को इन्हांस करने में पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है सेवरल प्रोग्राम्स पर, जैसे 20-point प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, मनरेगा एसेट्रा. पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है इन प्रोग्राम्स पर वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है लिविंग स्टैंडर्ड पुअर पॉपुलेशन का. सब्सिडी भी दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू फूड पर, केरोसिन पर, ऑयल पर, एलपीजी पर, ताकि जो पुअर पीपल है उनका बेनिफिट हो सके. नेक्स्ट इज रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. जो फिस्कल पॉलिसी है उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि जो इनइक्वालिटी है बिटवीन वेल्थ एंड इनकम उसको कम किया जाए बाय वे ऑफ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, जहाँ पर हाई रेट ऑफ टैक्सेस लगाया जाता है लग्जरीज पर, सरचार्ज लगाया जाता है रिच पर्सन्स पर एसेट्रा, जैसे जो स्टेप्स है वो लिए जाते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो मोबिलाइज कर सके रिसोर्सेज रिच क्लास से और उसे यूज कर सके फॉर द वेलफेयर स्कीम्स और फॉर द पुअर क्लास. तो जो पुअर है उन्हें एग्जम्प्ट किया जाता है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अगर उनकी इनकम एक सर्टेन लिमिट तक है. इसके अलावा सेवरल फिस्कल कंसेशंस जैसे एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, ग्रांट ऑफ सब्सिडीज भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकवर्ड एरियाज में दी जाती है. देन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है इन सब स्टेप्स का कि रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस किया जाए. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन. जो गवर्नमेंट है वो यूज़ करती है फिस्कल पॉलिसी का फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट. जो एक्सपोर्टर्स है सर्टेन कैटेगरीज के उन्हें एग्जम्प्ट रखा जाता है फ्रॉम इनकम टैक्स. सर्टेन कैटेगरी के जो एक्सपोर्टर्स है वो इंजॉय करते हैं सेवरल कंसेशंस और कैश सब्सिडीज. जो रेट है इम्पोर्ट ड्यूटी का ऑन रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड्स जो यूज़ करते हो आप प्रोडक्शन के लिए एक्सपोर्ट गुड्स की, उसे रिड्यूस किया गया. और इसकी वजह से जो आपका डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल 2017-18 में जो ग्रोथ रेट था एक्सपोर्ट का वो इंक्रीज हुआ 5.8%. इसी तरीके से सब्सिडीज और टैक्स कंसेशन दी जाती है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को इनकरेज करने के लिए. नेक्स्ट इज अ टूल टू कंट्रोल इकोनॉमिक रिसेशन. फिस्कल पॉलिसी एक सिग्निफिकेंट टूल है नेगेटिव इंपैक्ट जो है इकोनॉमिक रिसेशन का उसे रोकने के लिए. टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करवा के पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके जो फिस्कल पॉलिसी है वो हेल्प करती है टू इंक्रीज डिमांड इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट इज शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस क्या हैं, डिफेक्ट्स क्या हैं फिस्कल पॉलिसी की. फर्स्ट है इन्फ्लेशन. डिफिशिएंट फाइनेंसिंग इन्फ्लेशनरी प्रूव हुई है. डिफिशिएंट फाइनेंसिंग की वजह से जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो वैल्यू है मनी की वो कम हो जाती है और जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं. देन नेक्स्ट इज डिफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर. इंडिया में जो शेयर है डायरेक्ट टैक्सेस का वो कम है
शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंपैरिजन में। तो ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बर्डन क्रिएट करता है पुअर के लिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो चार्ज सेम रेट पर किए जाते हैं चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। तो वो बैडली इफेक्ट करते हैं पुअर सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी को। तो जो एग्रीकल्चर इनकम है वो स्टिल टैक्स फ्री है। कुछ बड़े बिग फार्मर्स जो है वो ह्यूज इनकम अर्न करते हैं और वो टैक्स फ्री चली जाती है। सैलरीड क्लास जो है वही बर्डन बियर करती है टैक्स का। देन नेक्स्ट इज पुअर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंडियन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत खराब है। एनॉर्मस टैक्स एवेशन होता है, लूप होल्स हैं टैक्सेशन पॉलिसी में, जिसकी वजह से जो बिजनेस क्लास है वो टैक्स को इवेड कर पाती है। तो जो पुअर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हुई है चेक करने में ब्लैक मनी को। देन नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है वो फेल हुई है टू चेक इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। जो पुअर क्लास है उसे भी सेम रिच क्लास की तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन है बियर करना पड़ता है। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस हैं वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ड्यूटी जो डेथ के ऊपर आप पे करते हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पुअर के ऊपर और ये विड्रॉ भी कर लिए जाते हैं। लेकिन इन सब की वजह से जो वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज होती है। देन नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर। वेरियस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो लॉसेस में रन कर रही हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक एंटरप्राइजेस में लगाई जाती है वो फेल हुई है जनरेट करने में एडिक्वेट रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट पर। कई जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो फेल हुई हैं इवन इंटरेस्ट पे करने में। जो भी उनकी कैपिटल पे, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है उनकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बनता है। देन नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती है ऑन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस, जैसे डिफेंस पर एक्सपेंसेस, इलेक्शन एक्सपेंसेस, सब्सिडीज, फॉरेन ट्रेवल्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ग्रांट्स टू स्टेट्स, यूटीज एक्सेट्रा। तो ये जो एक्सपेंसिव हैं सारे अनप्रोडक्टिव नेचर के हैं और इसकी वजह से जो बर्डन है गवर्नमेंट एक्सचेकर पर वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज फेल टू चेक रीजनल डिस्पैरिटीज। जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसका मतलब है कि अनइक्वल डेवलपमेंट है डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट स्टेट्स में। तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो फेल हुई है इन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। नो डाउट कुछ टैक्स रिबेट्स, टैक्स कंसेशंस आप ऑफर करते हो अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है बैकवर्ड और रूरल एरियाज में, लेकिन स्टिल बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट बर्डन। अंडर फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट है वो ह्यूज पब्लिक डेब्ट लेती है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों से, और जिसकी वजह से अनड्यू इंटरेस्ट का बर्डन जो है गवर्नमेंट एक्सचेकर पर आता है। देन नेक्स्ट इज फेलियर इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्पाइट की जो वर्किंग है 5 डिकेड से फिस्कल पॉलिसी की वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं रही है पावर्टी को इरेडिकेट करने में और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो फेल रही है टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। एज पर तेंदुलकर मेथडोलॉजी ऑन मेजरिंग पावर्टी जो एक्सेप्ट भी किया है प्लानिंग कमीशन ने इन 2011-12, 21.9% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वॉज लिविंग बिलो पावर्टी लाइन। तो ये था हमारा टॉपिक इवेल्युएशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी का। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज सजेशंस फॉर रिफॉर्म्स इन फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। सबसे पहला है रिडक्शन इन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है उसे कम किया जाना चाहिए थ्रू अप्रोप्रिएट फिस्कल पॉलिसी। अगर जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है उसे आप नीचे ले आओगे तो जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का वो इम्प्रूव करेगा, इन्फ्लेशन कम होगी। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन पब्लिक डेब्ट। जो गवर्नमेंट है उसे अपनी डिपेंडेंस रिड्यूस करनी चाहिए पब्लिक डेब्ट के ऊपर, क्योंकि इससे जो इंटरेस्ट बर्डन है गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर वो बढ़ता है। और फाइनेंस कमीशन ने भी सजेस्ट किया है कि पब्लिक डेब्ट को रिड्यूस करना चाहिए सेंटर और स्टेट्स दोनों को। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।